औरंगाबाद में आज अपराधियों ने दिन दहाड़े एक महिला से 17,50,000 रुपए लूट लिए हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के समाहरणालय गेट के सामने की है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन में जुट गई। बताया जाता है कि अम्बा थाना क्षेत्र के कर्मा बसंतपुर की रहने वाली सुनीता देवी बैंक से पैसे निकालकर जमीन की रजिस्ट्री के लिए जा रही थी, तभी पहले से घात लगाए बाइक पर सवार दो अपराधी वहां पहुंचे और महिला से पैसों से भरा बैग छीनकर आराम से चलते बने। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और फिलहाल पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाल रही है। वीडियो फुटेज में स्पष्ट नजर आ रहा है कि पल्सर बाइक पर सवार दो अपराधी आते हैं और सड़क किनारे अपने पति के साथ बातचीत कर रही महिला के पास बाइक रोककर उसके हाथ में रहे रुपयों से भरे थैले को छीन लेता है और फिर उसके बाद आराम से चलते बनता है। हालांकि महिला चीखती चिल्लाती रह जाती है, बावजूद आसपास रहे लोग उसकी कोई मदद नहीं करते हैं। इधर नगर थाना अध्यक्ष रविभूषण ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों को चिन्हित करने में लगी है, साथ ही सभी सीमाओं को सील कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए वाहनों की सघन जांच भी की जा रही है। कितना पैसा था आपके पास? 16 लाख तो पहले से था, 1.5 लाख अभी SBI से निकाल के लाके उसमें डाले थे। 17.5 लाख मृत्युंजय सिंह है, शिवसागर थाना के रहने वाले, रोहतास के। जमीन लिखवाने के लिए पैसा स्टेट बैंक से निकाल कर एक्सिस बैंक में लाए, यहाँ लिंक फेल था। उसके बाद ये लोग रोड पर ही खड़ा होकर आपस में बात कर रहे थे और झोला पीछे रखे हुए थे। एक पल्सर पर दो सवार आए और पट्टा मार के। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस जांच कर रही है। वो तो सब अभी से घटनास्थल पर पहुँचे, अपराधियों का पीछा कर। कितना लूट हुई है? 16 लाख।